जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा अब्बा बीमार है, तो उनका ट्रीटमेंट है, सर्जरी ही उनका ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैं और मेरे शोहर दोनों हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो मेरे अब्बा को बोलते कि उसका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर मेरा अब्बा जो है इनकार कर देते हैं कि नहीं 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 हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे बस जो भी अल्लाह ताला हयात दिया है बस है। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आप सफर कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा, इससे दिक्कत हो जा रहा है आपको, आप ट्रीटमेंट लीजिए अब्बा, तो भी नहीं मान रहे। तो मेरा ये है कि क्या मतलब हम जो हम लोग सफर करते हैं वो भी लिखा हुआ रहता है क्या? जैसे कि आप मेरा ट्रीटमेंट इग्नोर कर रहे हो तो वो भी लिखा हुआ रहता है क्या? अल्लाह की ये वो थोड़ा अफसोस होता है, हम लोग डॉक्टर है कि हमारे पेरेंट्स हमारा बात नहीं सुनते हैं, तो इसका क्या है शेख? बहन के सवाल का जो आखिरी हिस्सा है वो वहां पे आवाज बहुत डिस्टर्ब थी, वो समझ में नहीं आया। शुरू में जी, वो तो यानी मैं वो जिस परेशानी से, मैं जहां तक समझ पाया हूँ शेख, सिस्टर ये पूछना चाह रही है कि उनके वालिद जिस परेशानी से गुजर रहे हैं तो क्या ये भी लिखा हुआ था, ऐसा पूछ रहे हैं सिस्टर आप, सिस्टर रूबीना? हाँ जी, मतलब डिजीज भी लिखा हुआ रहता है, बीमारी भी लिखा हुआ रहता है, क्या ये ऑपरेशन पूछ भी रहे? लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल, हाँ वादे सिस्टर, वादे सिस्टर। बिल्कुल। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया में एक पत्ता भी जो हिल रहा है वो लिखा हुआ है। ये एक मोमिन का अकीदा है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसके उस चीज के होने से पहले हमें नहीं पता है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ये गैब की चीज है। जब वो चीज वाकई हो जाती है तो हमारा ईमान है कि ये चीज लिखी हुई थी। तो जो हमें बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, सब कुछ लिखा हुआ है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकद्दर किया हुआ है, तभी वो चीज होती है। कई लोग यहां पर ये सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम पर एतराज करने वाले, कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रहमान है, रहीम है, फिर इंसान को तकलीफें और परेशानियां उसके मुकद्दर में क्यों लिख रखा है जब वो रहमान है, रहीम है? अगर जी आप गौर करेंगे तो उसकी बीमारियां भी, उसकी बीमारियों में भी आपको अल्लाह की रहमत नजर आएगी कई नाहियों से। पहली बात तो यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अजबन लिअम्रिल मुमिन, हदीस के शुरू के अल्फाज हैं कि मोमिन का मामला भी बहुत अजीब होता है। जी अजीब इसलिए होता है कि उसके हर मामले में खैर है, भलाई है। उसको अगर कोई अच्छाई मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और शुक्रिया अदा करना भलाई है उसके लिए। अगर उसको कोई परेशानी और तकलीफ पहुंचती है तो उस पर सब्र करता है, और जब सब्र करता है तो ये भी इबादत है, इस पे ये भी उसके लिए भलाई है। यहां तक कि अगर मोमिन को एक कांटा चुभता है तो उस कांटे के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तकलीफ के बदले उसके गुनाहों को बख्शता है, वो तकलीफ उसके गुनाहों के लिए कफारा है, बशर्ते कि वो उस पर सब्र करे। अगर वो सब्र करता है तो उसके गुनाहों का कफारा है। तो आप बताइए क्या ये रहमत नहीं है? हमने जिंदगी में, दुनिया में कितने सारे गुनाह किए हुए हैं, हमको कोई बीमारी मिलती है, बुखार आता है, कोई भी जी परेशानी होती है, यहां तक कि छोटा सा कांटा भी चुभता है, अगर हम उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर समझ करके उस पर सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, रजामंदी का इजहार करते हैं, एहतसाब करते हैं, तो हमें उस पर अजर मिलता है, हमारे गुनाह माफ होते हैं, तो इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है? इसी तरह से मोमिन बंदों को जो तकलीफें होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक हिकमत यह भी है कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी का मकसद आजमाइश है। यह हर मोमिन जानता है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाता है, और आजमाइश ये सिर्फ अच्छाइयां दे करके नहीं होती हैं, आजमाइश नेमतें दे करके भी होती हैं और परेशानियां दे करके भी होती हैं। अगर परेशानियां ना हो तो आजमाइश कैसी? अगर परेशानियां ना हो, आदमी पूरी जिंदगी जो कुछ चाहे उसको मिल जाए, तो फिर आजमाइश कैसी? तो सही हमारी शरीयत का, अल्लाह का ये मकसद है कि बंदे को आजमाना है, और इन बीमारियों के जरिए से हमारी आजमाइश होती है। तो ये बीमारियां भी एक मोमिन के लिए, अगर वो सच्चा मोमिन है और शरीयत के अहकाम के मुताबिक उन बीमारियों में वो जो है अमल करता है, तो बीमारियां भी उसके लिए रहमत हैं। बहरहाल सवाल आपका थोड़ा इससे हटके था कि क्या बीमारियां और तकलीफें भी मुकद्दर हैं। बिल्कुल मुकद्दर हैं।